बंदरहा गांव में पेड़ कटने की सूचना पर पुलिस की जीप पहुंचने के बाद दो पक्षों में मारपीट, 10 लोग चोटिल। सीतापुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में यह घटना हुई और घटना रविवार की देर शाम को हुई। दरअसल यहां पर बंदरहा गांव है, वहां से पेड़ कटने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की जीप पहुंची और जब जीप वापस चली गई, इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पवन और महादेव के पक्ष में ये मारपीट हुई, इसमें 10 लोग चोटिल हुए हैं। दोनों पक्षों से मिलाकर एक पक्ष के 6 हैं, दूसरे पक्ष के 4। सभी का मेडिकल सीतापुर जिला अस्पताल में कराया गया। ये बताओ, ये मारपीट कैसे हो गई, किस बात पे हुई? लकड़ी ने बजे पे इसका मुंडल रहा, इसकी लड़की के रहा। हाँ। ये लाई रहे तो कहीं बालन शीशम कटा है, तो यहाँ से ने जीप भर के गई पुलिस वाले के। हाँ। और बाद में यहाँ पहले गई है मोटरसाइकिल, तेने दो जने गए, दो पुलिस वाले के गई है जीप भर के, तब वहाँ पर जा के दिखाई नहीं कहाँ पर कटी है शीशम। तो जब शीशम कटी हो तब ना दिखाऊँ, जब वहाँ बगिया में जाके दिखाई जाए कहीं देखो कि इतनी लकड़ी कटी है, यह इतनी लकड़ी कटी है, इतने पपरा छोड़ाई ना है और तनकी लकड़ियों की का है कि पपरा छोड़ाई है, कहीं मैं कर छोड़ाई ना है, कौन शीशम के? हाँ, पपरा छोड़ाई ना सूख रहा है, पकड़ा छोड़ाई और तनिक की गुलटोरा की लकड़ी रहे, गुलटोरा के भी लकड़ी रहे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जब पुलिस आए गए और पुलिस के बाद में यहाँ फैसला कह दी, फैसला कह के चले पुलिस वाले तो चले आए। हाँ। फिर के बाद में ये सब झगड़ा करे लगे, झगड़ा करके तभी मारपीट करे लगे। हमारे ऐसे से हम सब कोई बचौते रहे, लड़ाई ना करने पास कोई कितने कुछ नहीं रहा। तुम्हारे ऐसे कितने लोगों को चोट लगी? हमारे ऐसे कई जन 6 लोग, 6 लोग हम चोट लगे और 4 लोग दूसरी तरफ हैं। हमारे ऐसे कुछ ना रहे, 6-4-10 लोग।